Vayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर मयंक प्रताप सहायक प्राध्यापक विधि विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आज पाठ्यक्रम का शीर्षक है माल विक्रय अधिनियम माल विक्रय अधिनियम 1930 शीर्षक के अंतर्गत व्याख्यान की कड़ी में आज का व्याख्यान क्रेता और विक्रेता के बीच संपत्ति के अंतरण को लेकर के है क्रेता और विक्रेता के बीच संपत्ति के अंतरण को लेकर के जो प्रावधान माल विक्रय तीस में दिए गए हैं आज हम उनकी चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले इस शीर्षक के जो पूर्ववर्ती व्याख्यान के क्रम थे उनको अगर हम एक बार देखें तो अभी तक हमने पूर्ववर्ती व्याख्यान क्रम में इसके पहले का जो पाँचवा व्याख्यान था उसमें कैवियट इम्पिटर के सिद्धांतों की चर्चा की जिसमें कैवियट एम्प्यूटर के इतिहास भारतीय संदर्भ में कैवियट एम्प्यूटर का क्या महत्व है कैवियट एम्प्यूटर की परिभाषा क्या है आंग्ल विधि में कैवेट इम्टर का सिद्धांत कहाँ से आया और इसका न्यायिक क्रमिक विकास इंग्लिश और भारतीय संदर्भ में कैसे हुआ और किस प्रकार कैवेट इम्टर का सिद्धांत कैवेट वेंटिटर में बदल गया इस सिद्धांत की चर्चा करते हुए यदि एक बार इसको सार रूप में समझने की कोशिश की जाए तो कैवेट इम्टर का सिद्धांत यह कहता है कि कोई उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु माल का क्रय करता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह इस बात की जांच परख कर ले और इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वह किस प्रकार के माल का क्रय कर रहा है क्योंकि एक बार यदि संपत्ति का अंतरण माल में की संपत्ति अगर क्रेता को अंतरित हो गई तो विक्रेता का उसके लिए कोई उत्तरदायित्व नहीं माना जाना चाहिए अर्थात यह क्रेता का उत्तरदायित्व है कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए इस बात से पूरी तरह जांच परख करके इसकी तहजीक कर ले कि उसने जो माल क्रय किया है वह उसके उपयोगिता की दृष्टि से उसके उद्देश्य की दृष्टि से बिल्कुल उचित और उपयुक्त है यानी विक्रेता किसी भी माल के संदर्भ में कोई विवच्छित शर्त अथवा गारंटी नहीं देता है यद्यपि कि कैवे का सिद्धांत आंग्ल विधि का सिद्धांत था भारत में इस प्रकार का को कोई सिद्धांत सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित नहीं है लेकिन माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 16 का जो प्रथम पैराग्राफ है या धारा 16 का जो कथन है वह इसी कैवेट इम्टर सिद्धांत की व्याख्या करता है लेकिन कैवेट इम्टर के सिद्धांत को भारत में मान्यता देने के साथ साथ इसके अपवादों को भी मान्यता दी गई है अर्थात इसमें कुछ अपवाद हैं जिन अपवादिक परिस्थितियों में यह सामान्य कथन लागू नहीं होता है और धीरे धीरे विधि के कारण या संविधि और खासकर उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के आने के बाद यह इतना प्रभावशाली हो गया है कि विक्रेता और क्रेता के मध्य संबंध को जो कैविट इम्पिटर के सिद्धांतों में बताया गया था उसमें दिए गए अपवाद कहीं ज़्यादा समीचीन जान पड़ते हैं इस संदर्भ में धारा के साथ साथ इनके अपवादों की चर्चा करते हुए अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में हम लोगों ने कैविएट वेंडरटर यानी कि विक्रेता सावधान नियम की भी चर्चा की और यह देखा कैसे एक क्रेता सावधान का नियम क्रेता सावधान से विक्रेता सावधान के नियम की ओर चला गया इसी क्रम में एक बार और अगर हम देखें तो वास्तव में माल विक्रय अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो किसी चल संपत्ति के अंतरण यानी कि विक्रेता के द्वारा कीमत के बदले जब क्रेता को माल में संपत्ति के अंतरण करने के सिद्धांत के बारे में या अनुबंध के बारे में किसी संविदा के बारे में ऐसा प्रावधान करने वाला अधिनियम विनियमित किया गया 1930 जुलाई माह की प्रथम तारीख को यह अधिनियमित किया गया था इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सभी प्रकार की चल संपत्तियों के लिए है अर्थात कोई चल संपत्ति जब विक्रय के अधीन किसी अनुबंध में विक्रेता द्वारा क्रेता को कीमत के बदले अंतरित की जाती है तब उसका संक्रमण या उसका हस्तांतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को किया जाना है इसके संबंध में जो प्रमुख प्रावधान है वो अधिनियम की धारा चार में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं लेकिन धारा चार को एक बार यदि हम फिर से याद करने की कोशिश करें तो धारा चार माल विक्रय संविधा को परिभाषित करता है और माल विक्रय की संविधा एक ऐसी संविधा होती है जिसमें माल विक्रय के साथ साथ विक्रय करने का करार भी शामिल होता है यानी कि माल विक्रय की संविदा माल विक्रय संविदा अधिनियम के अंतर्गत दो तत्वों से मिलकर बना है पहला जिसमें माल का विक्रेता द्वारा क्रेता को संपत्ति का तुरंत अंतरण हो जाता है जिसे हम धारा चार की उपधारा तीन के अनुसार विक्रय के नाम से जानते हैं और दूसरा जब माल में की संपत्ति का अंतरण तुरंत नहीं बल्कि कुछ समय बाद या कुछ शर्तों के पूरा होने पर होता है इसे हम धारा चार की उपधारा तीन के अनुसार माल विक्रय के करार के नाम से जानते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो यह है कि चाहे वो माल विक्रय की संविदा विक्रय के रूप में हो अथवा माल विक्रय की संविदा करार के रूप में हो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि संपत्ति जिसका अंतरण हो रहा है वह माल होना ही चाहिए और माल का जब अंतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को होगा तो उसमें यह देखना है कि क्रेता को माल का स्वामित्व तो कब मिला क्योंकि माल विक्रय की संविदा के अनुसार सार तत्व तो है कि माल में की संपत्ति का अर्थात स्वामित्व का तो अंतरण होना चाहिए इसीलिए आज के इस व्याख्यान का हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो है कि संपत्ति के अंतर के महत्व को खासकर माल विक्रय की संविधा का उद्देश्य क्रेता को माल की संपत्ति का देना होता है इसलिए यह तय करना आवश्यक हो जाता है कि किस कि समय विक्रेता से संपत्ति क्रेता को मिली अर्थात किस समय क्रेता को संपत्ति का संक्रमण हुआ यानी अधिकारों पक्षकारों के अधिकार हों वो चाहे क्रेता के अधिकार हो चाहे विक्रेता के अधिकार हो और उनके दायित्व जो भी इस चल संपत्ति से संबंधित होते हैं वह उसी संक्रमण या उसी समव्यवहार से बधे होते हैं जिसमें माल में की संपत्ति का अंतरण विक्रेता से क्रेता को हो गया इसलिए आज की व्याख्यान का उद्देश्य इस मूल प्रश्न में है कि किसी विक्रेता द्वारा माल में की संपत्ति का अंतरण क्रेता को कब होता है माल विक्रय अधिनियम 1930 में अधिनियम की धारा 18 से 25 तक मूल रूप से इसकी व्याख्या की गई है इसके साथ ही साथ धारा 26 भी महत्वपूर्ण है जो प्रथम दृष्टया यह बताती है कि माल में संपत्ति का अंतरण होने के बाद जोखिम किसके पास रहता है इसलिए इस अधिनियम के दृष्टिकोण से धारा 18 से 26 तक के प्रावधानों का हम इस व्याख्यान में उल्लेख करेंगे और मूल रूप से यह जानने की कोशिश करेंगे कि माल में की संपत्ति का अंतरण विक्रेता से क्रेता को किस रूप में और कब होता है इसके लिए धारा 19, धारा 18, धारा 20 से धारा 23 तक एक साथ पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है माल विक्रय की संविधा में हमें ध्यान यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक ऐसी संविधा है जिसके द्वारा क्रेता द्वारा माल में की संपत्ति का अंतरण होता है या माल में की संपत्ति का अंतरण करने का करार किया जाता है जहाँ माल में की संपत्ति का अंतरण क्रेता को विक्रेता के द्वारा किसी संविदा में होती है वह संविदा विक्रय कहलाती है लेकिन जहाँ में की संपत्ति का अंतरण होने के लिए किसी शर्त का पूरा होना है या किसी भावी समय में या आने वाले समय में इस में की संपत्ति का अंतरण किया जाना है वहाँ ऐसा में की संपत्ति का अंतरण विक्रय करार कहलाता है इस प्रकार माल विक्रय की संविदा का उद्देश्य माल का अंतरण या वस्तु का अंतरण होता है इसलिए यह निश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि किस समय माल में की संपत्ति अर्थात स्वामित्व का अंतर विक्रेता द्वारा क्रेता को किया गया यानी कब यह माना जाएगा कि माल का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास पहुंच गया जब क्रेता को संपत्ति के सभी अधिकार मिल जाएं तब शायद यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु में विक्रेता द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति अर्थात स्वामित्व का अंतरण या संक्रमण हो गया है पक्षकारों में बहुत सारे अधिकार खासकर क्रेता और विक्रेता के बहुत सारे अधिकार और दायित्व है जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस वस्तु का स्वामित्व तो किसके पास है यानी यदि विक्रेता के पास स्वामित्व है तो उससे संबंधित सभी जोखिमों को विक्रेता को उठाना पड़ेगा लेकिन यदि उसके जोखिम का भी संक्रमण माल के साथ या वस्तु के साथ हो गया है तो उस जोखिम को क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा और इसलिए इन दोनों ही के बीच में जो वस्तुता बिंदु है जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक है कि वह कौन सा क्षण है वह कौन सा तरीका है और वह कौन सा पल है जिसमें माल में की संपत्ति विक्रेता द्वारा क्रेता को अंतरित हो गई अर्थात जोखिम चूंकि उस पक्षकार द्वारा उठाया जाना है जिसके पास माल में की संपत्ति अर्थात स्वामित्व है दूसरा स्वामित्व तो प्राप्त करने के बाद क्रेता अपने सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जैसे मान लीजिए कि विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के साथ उसके जोखिम का भी अंतरण हो गया चूंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है कि जब भी स्वामित्व का अंतरण होगा उसके साथ जोखिम का भी अंतरण होगा यह विधिक रूप से मान्य प्रक्रिया है ऐसे में जब भी माल का कब्जा प्राप्त कर लिया जाएगा तब विक्रेता पर माल का कब्जा प्राप्त करने के लिए यदि माल का कब्जा नहीं मिला है तो क्रेता विक्रेता पर वाद लाएगा यह उसके अधिकार में माल विक्रय की संपत्ति में संक्रमण होने के कारण उसे प्राप्त हो सकता है यदि विक्रेता ने माल मान लीजिए कि किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है यानी विक्रेता ने विक्रय करार में आने के बाद माल में की संपत्ति का अंतरण यदि क्रेता को कर दिया है परंतु तो कब्जा अभी उसके ही पास है और कोई तीसरा व्यक्ति मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को या आ ने बा को माल में विक्रय की संविधा के करार के अंतर्गत कोई निश्चित या विनिर्दिष्ट संपत्ति बेची जिसके बदले कीमत का अंतरण किया गया और विक्रेता द्वारा क्रेता को उसके स्वामित्व का अंतरण किया गया परंतु किसी कारणवश अभी वह स्वामित्व या माल या माल का कब्जा स्वामित्व तो के अंतरण के, के बाद भी विक्रेता के पास ही है और ऐसे में कोई तीसरा व्यक्ति जबकि उस तीसरे व्यक्ति को यदि इस बात की जानकारी है कि यह विक्रेता द्वारा माल किसी अन्य व्यक्ति अर्थात क्रेता को बेच दिया गया है उसके बाद भी यदि उस पर व्यक्ति को विक्रेता द्वारा उस संपत्ति को बेचा जाता है तो तीसरे विक्रेता मूल्य प्राप्त करने के लिए तब तक वाद नहीं लाया जा सकता जब तक कि माल की संपत्ति क्रेता को नहीं मिल गई है और दूसरी तरफ विक्रेता ने यदि किसी व्यक्ति को बेच दिया है तो विक्रेता जिसको पहले से ज्ञान था तो उस क्रेता से माल बरामद करवा सकता है इस प्रकार यदि हम देखें तो कुछ न कुछ अंतर हमें भारतीय कानून और आंग्ल कानून में ज़रूर देखने को मिलता है लेकिन मूल रूप से सारभूत तत्व यह है कि, कि किसी के अधिकार किसी के अधिकार का तात्पर्य किसी पक्षकार के अधिकार और पक्षकार का तात्पर्य क्रेता और विक्रेता के क्रेता और विक्रेता के अधिकार इन दायित्व का अगर हमें वहन करना है दायित्व के अधिकार का नियामन कराना है यह जानना है कि कौन से अधिकार व दायित्व का पालन उनके द्वारा कब किया जाना है तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम यह देखें कि क्या स्वामित्व का अंतरण हो चुका है या नहीं आंग्ल विधि के अनुसार जब विक्रय ऐसे समूह या विशेष माल का हुआ है जिसकी संपत्ति में क्रेता का क्रेता को संक्रमण हो चुका हो तो किसी भी शर्त के भंग के लिए क्रेता माल का अस्वीकारीकरण नहीं कर सकता लेकिन प्रतिकर के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है या दावा प्रस्तुत करता है परंतु तो भारत में यह मूल रूप से लागू नहीं है अर्थात संपत्ति के अंतरण का जो सबसे बड़ा प्रभाव है कि यदि मान लीजिए किसी कंपनी के संदर्भ में भी देखें तो अगर कोई एक विक्रेता एक कंपनी है तो कंपनी के परिसमापन की दशा में वह जो वस्तु होगी वह जो माल की माल होगा वह कंपनी के कब्जे में अगर है तो परिसमापक के विरुद्ध क्रेता को एक अच्छा हक भी प्राप्त हो सकता है इस प्रकार ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो यह दर्शाते हैं कि, कि किस प्रकार अधिकार और दायित्व का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले इस बात का निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को हो चुका है अथवा नहीं हुआ है तो वो कौन सा छड़ है कब कहा जाएगा कि माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया है अगर नहीं हुआ है तो सभी जोखिम और दायित्व विक्रेता की द्वारा वहन किए जाएंगे और हो चुका है तो सभी अधिकार और दायित्व क्रेता की तरफ संक्रमित हो जाएंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत इस प्रभाव को देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में धारा 18 से धारा 26 को एक साथ देखने में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया क्या है अगर हम धारा 19 को देखें तो संपत्ति के संक्रमण को लेकर सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी है वह धारा 19 बनाती है और माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 19 में स्पष्ट कहा गया है कि, कि किसी भी संपत्ति का हस्तानांतरण या संक्रमण पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है पक्षकारों के आशय पर निर्भर करने का तात्पर्य कब किसी विक्रेता द्वारा माल में की संपत्ति का अंतरण किया जाना है यह धारा 19 के उपधाराओं में दिए गए प्रावधानों द्वारा सर्वप्रथम प्रथम दृष्टि या नियम के रूप में संचालित की जाएंगी यदि धारा 19 के हम शीर्षक को देखें तो इसमें स्पष्ट इस रूप से लिखा हुआ है कि संपत्ति तब संक्रांत होती है या हस्तांतरित होती है जबकि उसका संक्रांत होना आसईित है अर्थात अगर इसकी उपधारा प्रथम को हम देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि जहाँ संविदा किसी विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए है वहाँ उस माल में की संपत्ति अर्थात उसका स्वामित्व क्रेता को उस समय अंतरित होगा जिस समय उसका अंतरण किया जाना उस संविदा के पक्षकारों द्वारा आसहित हो इस प्रकार धारा 19 की उपधारा एक में दो महत्वपूर्ण तत्व तो हमें देखने को मिल रहे हैं सबसे पहले कि संविदा में जिस माल या जिस संपत्ति की बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व तो क्या है यदि इसका अस्तित्व विनिर्दिष्ट माल के रूप में यानी स्पेसिफिक गुड के रूप में जैसे धारा दो की उपधारा चौदह में परिभाषित किया गया है या अविनिश्चित माल के विक्रय के रूप में दोनों के बीच में हमें अंतर करना भी स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि हम लोग पहले भी इस अंतर को देख चुके हैं लेकिन एक सामान्य क्रम में विनिर्दिष्ट माल का तात्पर्य ऐसे माल से है जब संविदा की जानी हो और उस समय यदि माल का अस्तित्व है और उसकी पहचान की जा सकती है और पहचान कर ली गई है तो इसे हम विनिर्दिष्ट माल कहेंगे और अभिनिश्चित माल का अर्थ है जो माल अभी भावी माल के रूप में हमें संक्रमण के लिए रखना या संविदा के अनुबंध के तौर पर जिसके विषय के लिए हम करार में आने वाले हैं इस प्रकार यदि कोई विनिर्दिष्ट माल है या अभिनिश्चित माल है तो उस समय वह उस संपत्ति का अंतरण अर्थात स्वामित्व का अंतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को किया जाएगा जबकि पक्षकारों के आशय से यह स्पष्ट हो जाए कि वह क्या चाहते हैं या उनका क्या आशय है कि कब वो माल का हस्तानांतरण विक्रेता द्वारा क्रेता को करने के प्रति आसान्वित हैं इसी की उपधारा दो में स्पष्ट हो जाएगा कि सब संविदा के निबंधन पक्षकारों के आचरण मामले की परिस्थितियां और पक्षकारों के आशय को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखी जाएंगी अर्थात धारा 19 की उपधारा एक और उपधारा दो को अगर मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि विधायन की यह आशय है या विधायन की यह मंशा है कि जब किसी माल का विक्रेता द्वारा क्रेता को माल में की संपत्ति का अंतरण होना है तब इस प्रश्न का निर्धारण कि स्वामित्व का अंतरण कब हुआ हमें उस आशय को देखकर करना चाहिए जो पक्षकारों के आशय से परिलक्षित होता है और पक्षकारों का आशय अगर समझना है कि पक्षकारों का आशय किस प्रकार परिलक्षित होगा तो उसके परीक्षण के लिए हमें उन्नीस दो का सहारा लेना पड़ेगा जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि यदि पक्षकारों के आशय को हमें देखना है तो हमें सबसे पहले संविदा के निबंध धन को देखना पड़ेगा पक्षकारों के आचरण को देखना पड़ेगा और उस मामले विशेष की परिस्थितियों को देखना पड़ेगा जिसके द्वारा पक्षकारों को आशय को अविनिश्चित करने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है और इन दोनों ही उपखंडों के साथ जब हम तीसरे उपखंड को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि जब तक संविदा में कोई भिन्न आशय प्रतीत ना हो उसके बारे में जिसमें माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित होनी है तो पक्षकारों के आशय के अभिनिश्चय के लिए उन नियमों को जबकि धारा 20 से लेकर के 24 तक अंतर्विष्ट हैं उनके सहारे हम यह तय करेंगे कि माल में की संपत्ति का अंतरण कब हो रहा है यानी इस धारा से यह स्पष्ट हो जाता है कि संकम जो संपत्ति है उसके संक्रमण में पक्षकारों का आशय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और पक्षकारों का आशय संविदा में ही स्पष्ट कर दिया जाता है या कर दिया जाना चाहिए अर्थात सबसे पहले इस प्रश्न के निर्धारण में कि माल में की संपत्ति अर्थात तो स्वामित्व का अंतरण कब हुआ हम देखेंगे क्या संविदा में इसको लेकर पक्षकारों द्वारा कोई आशय परिलक्षित हो रहा है यदि संविदा में कोई ऐसा आशय है जो संविदा के निबंधनों से निकाल सकते हैं संविदा में जो वस्तु है या जो माल है जिसके संबंध में या जिसके विषय में ऐसा करार किया गया है उस मामले की परिस्थिति में या पक्षकारों का कोई ऐसा आचरण है जो यह जानने में सहायक हो सकता है कि पक्षकार क्या चाहते हैं कि माल में की संपत्ति यथार्थ स्वामित्व का अंतरण कब हो जाए उसी के सहारे उसी आशय के सहारे हम यह मान लेंगे कि संपत्ति में अंतरण कब हो रहा है लेकिन यदि इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है और कोई आशय परिलक्षित नहीं हो रहा है तब उसके बाद हमें धारा 19 से लेकर के धारा 24 तक के दिए हुए प्रावधानों में धारा 20 से धारा 24 तक के प्रावधानों का सहारा लेना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि इनके अंतर्गत दिए गए नियमों से हम किस प्रकार जान सकते हैं या इनके अंतर्गत नियमों में हम कैसे कह सकते हैं कि माल में की संपत्ति का अंतरण हो गया परंतु इन सभी को एक साथ देखने पर जो एक निष्कर्ष रूपी शब्द हमारे आता है वह है आशय आशय का अर्थ है कि जब भी न्यायालय को इस बात का निर्धारण करना होगा तो सबसे पहले पक्षकारों के आशय पर ही वह अवलंबित किया जाएगा इसीलिए लॉर्ड वेटसन ने अपने शब्दों में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि माल बेचने का अनुबंध होते ही माल में की संपत्ति का अंतरण या हस्तांतरण हो जाए इस प्रश्न के निर्धारण के लिए पक्षकारों के आशय पर निर्भरता जरूरी है यानी उन्हें अपनी संविधा में इस विषय पर कुछ भी उपबंध करने का या प्रबंध करने का या कुछ भी तरीके या अनुबंध करने का स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए भारत में बहुत सारे वादों में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई और चूंकि यह संविधिक सिद्धांत है इसलिए उच्चतम न्यायालय के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जहां न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सबसे पहले पक्षकारों के आशय पर निर्भर रहते हुए यह देखेंगे कि किसी माल में की संपत्ति का अंतरण कब और किस प्रकार हुआ है विशेषकर एग्रीकल्चर मार्केट बनाम शालिमार केमिकल के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब एक इस विषय को देखें तो बड़ा रोचक विषय था जिसमें केरल द्वारा कुछ माल भेजा गया था और केरल द्वारा भेजे गए उस माल का परिदान हैदराबाद में होना था और जब संविदा के निबंधनों को देखा गया संविदा की शर्तों को देखा गया तो यह निश्चित रूप से परिलक्षित हो रहा था कि विक्रय के सभी पहलुओं का पूर्ण होना केरल में ही किया जाना था यानी आशय से यह प्रतीत हो रहा था कि विक्रय के सभी या विक्रय के उपक्रम में जितने भी कारगर तरीके थे या उससे संबंधित जितनी भी फॉर्मेलिटी या निबंधन थे सबका केरल में ही पूरा होना था इसलिए उसमें विधिक आवश्यकताएं और जितने भी तरीके हैं उनका पालन केरल के अंदर करने से वह केरल में ही पूर्ण मानी गई इस प्रकार उस पर जो विक्रय कर लगाया या लगाया जाना चाहिए वो भी केरल में ही लगाया जाना चाहिए लेकिन चूंकि इस माल का परिदान केरल की बजाय हैदराबाद में होना था तो प्रश्न उठा कि क्या हैदराबाद में बिक्री कर अधिकारी द्वारा ऐसे माल पर कर लगाया जा सकता है इसके लिए यह तय करना पड़ेगा कि क्या यह विक्रय है अथवा विक्रय केरल की बजाय क्या हैदराबाद में पूर्ण हुआ है न्यायालय ने इस वाद में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में धारा 19 का सहारा लेते हुए कहा कि वाद की परिस्थितियां निबंधन की शर्तों को देखकर सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि क्या पक्षकारों का आशय केरल में पूरा होना था या हैदराबाद में और इससे स्पष्ट इस है कि पक्षकारों का आशय है कि केरल में ही माल विक्रय की संविधा पूरी हो जाए इसलिए विक्रय कर अधिकारी हैदराबाद द्वारा इस पर किसी भी प्रकार से विक्रय कर नहीं लगाया जा सकता इस प्रकार न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सब पक्षकारों के आशय पर निर्भर करता है और न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले पक्षकारों के आशय को समझा जाए पक्षकारों के आशय से संबंधित बहुत सारे मामले न्यायिक दृष्टिकोण और न्यायिक निर्णय सामने आए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की अगर हम चर्चा करें खासकर प्रेम सिंह हैकी वर्षे देवशंकर मिश्र के मामले में जिसमें मिस्टर प्रेम शंकर ने कुछ ऐसी संविधाएँ की खासकर एक संविधा जिसमें का द्वारा खा को कुछ ऊन पाँच दिन के अंतर्गत ऊन बेचना था या ऊन देना था और ऊन के बदले उन्हें कीमत का अंतरण करना था विक्रेता द्वारा जो ऊन था उसको अग्रिम धन के रूप में स्वीकृति भी मिल गई यानी क्रेता द्वारा कुछ अग्रिम धन भी विक्रेता को दे दिए गए और शेष कीमत के बारे में यह प्रावधान किया गया कि जब ऊन अर्थात तो माल को जब परिधान किया जाएगा तब शेष धन का भुगतान किया जाएगा अब ऐसे में प्रश्न था कि माल का अंतरण माल में स्वामित्व का अंतरण कब हुआ क्या माल में का स्वामित्व का अंतरण तब हुआ जब पूरे अग्रिम रकम के साथ साथ बकाए रकम का निदान हो गया अथवा उस समय ही हो गया जब विक्रेता ने अग्रिम रकम स्वीकार करके माल विक्रय के करार को किया न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि अगर इसमें पक्षकारों के आशय को देखें तो पक्षकारों का आशय यह कतई नहीं था कि माल के स्वामित्व के अंतरण को रोका जाए इसमें मात्र एक निबंधन था और वह निबंधन यह था कि जब माल का परिदान होगा तो शेष राशि का भुगतान किया जाएगा अर्थात तो शेष राशि का भुगतान होना सिर्फ इस बात पर निर्भर था कि इस सुनिश्चित कर लिया जाए कि माल का परिदान हो गया है ना कि माल के स्वामित्व का अंतरण इस प्रकार माल के स्वामित्व का अंतरण तो उसी समय हो गया जब पक्षकारों ने इस संविदा को पूरा किया और संविदा हस्ताक्षरित हुई इसी प्रकार द्वारका दास अयोध्या प्रसाद वर्सेज राम नतन के मामले में न्यायालय ने फिर कहा कि प्रतिवादी ने यदि कुछ अभिनिश्चित माल लेने का करार किया है जिसमें वादी ने कहा कि वह माल अपने पास रखे रहे और सुविधा अनुसार क्रेता उस माल को धीरे धीरे ले जाएगा इस मामले में भारतीय संविधान अधिनियम की धारा अठहत्तर के प्रावधान लागू हो गए थे न्यायालय ने निर्णय किया कि वास्तव में इस मामले में माल में की संपत्ति अर्थात तो स्वामित्व का अंतरण उसी समय हो गया जैसे ही मामले में करार को अनुबंधित और हस्ताक्षरित किया गया जब माल के विक्रय की प्रस्थापना को प्रधिकृत कर लिया गया था और क्रेता उसकी कीमत देने के लिए बाध्य हो गया था उसी समय माल में की स्वामित्व का अंतर पूरा मान लिया जाएगा इसी प्रकार अमीज बनाम जाल के बाद में एक संविदा रखी गई और संविदा में शर्त यह थी कि जब भी विक्रेता द्वारा क्रेता को जिसमें विक्रेता द्वारा क्रेता को एक मोटर देने के लिए संविदा की गई थी और प्रबंधन था कि उस विक्रेता को क्रेता द्वारा किस्तों में रकम का भुगतान किया जाएगा लेकिन शर्त में यह एक महत्वपूर्ण शर्त थी कि यदि क्रेता द्वारा शर्त के अंतर्गत जो किस्त की राशि है उसमें कोई चूक करता है तो विक्रेता को मोटर वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा इसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया कि पक्षकारों का पूर्ण आशय था कि माल में की संपत्ति अर्थात मोटर में स्वामित्व का अंतरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किस्त की अदायगी पूरी ना हो जाए क्योंकि इसमें शर्त स्पष्ट थी कि विक्रेता द्वारा क्रेता को मोटर कार भले ही दे दिया गया था लेकिन उस शर्त के अधीन था जिसमें था कि यदि किस्त में कोई चूक होगी तो विक्रेता द्वारा उस क्रेता से उस मोटर को वापस प्राप्त कर लिया जाएगा इस प्रकार की शर्त रखने का स्पष्ट आशय दिखाता है कि क्रेता और विक्रेता इस बात पर सहमत थे कि स्वामित्व का अंतर तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सभी किस्तों का भुगतान ना हो जाए इसी प्रकार मुक्तेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार के बाद में भी न्यायालय ने कहा कि जब एक जंगल का कुछ भाग नीलामी के द्वारा या लकड़ी को कुछ लकड़ी में बेचा जाने लगा तो बेचने के बाद उस माल को वहाँ से हटाने की बात आई दोनों पक्षकार द्वारा संविदा को हस्ताक्षरित कर लिया गया और माल हटाने के लिए अनुमति भी दे दी गई लेकिन उस नीलामी का अभी अनुमोदन होना बाकी था अब न्यायालय के सामने यह प्रश्न था कि क्या नीलामी का अनुमोदन होना बाकी है तो जब तक अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक हम इस माल की संपत्ति का हस्तांतरण नहीं मानेंगे न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ही इस विषय वस्तु के बारे में अनुबंध के अंतर्गत संविदा हुई और संविदा तक्ष या तत्कालिक रूप से जैसे ही हस्ताक्षरित की और हस्ताक्षरित करने के बाद जैसे ही माल को हटाने की अनुमति दे दी गई तत्काल ही माल में की संपत्ति अर्थात उसका स्वामित्व विक्रेता द्वारा क्रेता को चला गया भले ही अभी उसका अनुमोदन होना बाकी था लेकिन विक्रय नीलामी के समय ही पूर्ण हो गया और माल में की संपत्ति का अंतरण भी हो गया इसी प्रकार कमिश्नर इनकम टैक्स बनाम मैसूर क्रोमाइट लिमिटेड के मामले में न्यायालय ने कहा कि जब कोई अभिनिश्चित माल या भविष्य में पैदा होने वाले माल का वर्णन द्वारा विक्रय किया गया है तो उस वर्णन का माल बिना किसी शर्त के संविदा पालन हेतु तो विक्रेता ने सहमति से या यदि विक्रेता की सहमति से ही अलग कर दिया है और बिना किसी शर्त के संविदा पालन हेतु तो उसे विनिमय या विनियोग कर दिया है तो माल में की संपत्ति का अंतर मान लिया जाएगा इसी प्रकार ताराचंद घनश्याम दास पर लुइस डी फ्रूस एंड कंपनी के बाद में भी एक स्पष्ट मत देखने को मिला जिसमें कहा गया कि विक्रय के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण तब तक नहीं होता जब तक विक्रेता माल में की संपत्ति को अंतरण करने के उद्देश्य से या माल की कीमत को जानने के लिए उसका भार लेकर क्रेता को सूचित ना कर दे यानी इसके अतिरिक्त यदि कोई विशेष मंडी या नियम क्या अगर कोई प्रथा है और प्रथा अनुसार भी ऐसा हो सकता है या करार के विशेष अनुबंध के अनुसार ऐसा हो सकता है अर्थात तो इसका प्रभाव यह था कि जब क्रेता कीमत देने में विलम्ब करता है तो माल उसी की जोखिम पर रहेगा यानी किसी भी हानि के लिए जैसे कि मान लीजिए किसी अत्यधिक वर्षा के कारण या अत्यधिक धूप के कारण यदि माल नष्ट होता है या उसका नुकसान हो जाता है तो वह दायी रहेगा चाहे संपत्ति का अंतर अभी ना हुआ हो इस प्रकार धारा 19 को समग्र रूप से देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रश्न पर पक्षकारों का आशय ही सर्वाधिक महत्व रखता है यानी जब भी इस बात का निर्धारण किया जाना है माल में की संपत्ति अर्थात तो स्वामित्व का अंतर हुआ या नहीं हुआ हम सिर्फ और सिर्फ मामले में पक्षकारों के आशय को महत्व देंगे वर्सेस एक एक इसका एक अत्यंत रोचक उदाहरण है जिसमें एक विदेशी फर्म द्वारा क्रेता को डाक द्वारा कुछ हीरे बेचे गए थे मूल्य के साथ एक विनिमय पत्र भी दिया गया था और उस संविदा में एक शर्त थी कि जब तक विनिमय पत्र को स्वीकार नहीं किया लिया जाएगा तब तक यह नहीं माना जाएगा कि माल में की संपत्ति अर्थात वह जो हीरा है उसका स्वामित्व क्रेता को विक्रेता के द्वारा हस्तांतरित हो गई जबकि हम सामान्य नियम देखते हैं समव्यवहार और विपणन के सामान्य नियम के अंतर्गत जब कोई माल भेजा जाता है तो उसके साथ एक बिल्टी भी भेजी जाती है और जब बिल्टी भेजी जाती है तो बिल्टी भेज देने के साथ ही उस माल में की स्वामित्व यानी उस स्वामित्व का अंतरण पूरा मान लिया जाता है लेकिन चूंकि इसमें एक स्पष्ट शर्त थी कि स्वामित्व का अंतरण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि विनिमय पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा और चूंकि इस मामले में विनिमय पत्र को स्वीकार नहीं किया गया था इसलिए स्वामित्व का अंतरण न्यायालय ने इसमें नहीं माना क्योंकि पक्षकारों ने स्पष्ट रूप से यह शर्त लगाई हुई थी कि संक्रमण विनिमय पत्र की स्वीकृति पर ही होगा इसलिए निर्णय हुआ कि माल का कब्जा पा लेने के बावजूद भी विक्रेता द्वारा क्रेता को माल के स्वामित्व का अंतरण नहीं हुआ इस प्रकार यह आवश्यक है कि पक्षकारों का आशय संविदा में ही घोषित कर दिया जाए क्योंकि यदि संविदा में कुछ भी नहीं कहा गया है तो अधिनियम में दिए गए नियम अपने आप लागू हो जाएंगे और उन्हें बाद में नहीं बदला जा सकता उदाहरण के लिए फर्ज कीजिए कि यदि मिस्टर ए या मिस्टर आ ने बा को कुछ संपत्ति बेचने का करार किया चल संपत्ति बेचने के करार में बा द्वारा भुगतान किसी चेक में या किसी ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में करना था जिसका भुगतान होना अभी बाकी है ऐसे में सामान्य नियम क्या होता है कि जैसे ही विक्रय किया जाता है विक्रय का करार पूरा होने के बाद माल में की संपत्ति का अंतरण होता है और माल में की संपत्ति का स्वामित्व क्रेता को विक्रेता के द्वारा प्राप्त हो जाता है यह एक सामान्य प्रक्रिया है या सामान्य अनुक्रम है लेकिन यदि इसी मामले में शर्त लगा दी जाए कि जो विक्रय की प्रक्रिया पूर्ण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उस चेक द्वारा भुगतान को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा अर्थात जब तक चेक को भुना नहीं लिया जाएगा वह कैश नहीं हो सकता उसके बदले पैसा नहीं मिल जाता तब तक कि विक्रय के द्वारा जो संपत्ति का अंतरण है वह अंतरण नहीं माना जाएगा अगर ऐसी कोई शर्त रखी गई है तब यह समझा जाएगा कि पक्षकारों द्वारा यह आशय प्रतीत किया जा रहा है या आशय परिलक्षित किया जा रहा है कि वह माल में की संपत्ति के अंतरण को तब तक रोके रखना चाहते हैं जब तक क्रेता द्वारा विक्रेता को धन का भुगतान अंतिम रूप से ना किया जाए लेकिन यदि यह शर्त नहीं है और यदि यह शर्त करार के बाद में है तो दोनों ही परिस्थितियों में यह नियम लागू नहीं होगा और सामान्य वाणिज्यिक नियम लागू होगा यानी कि यदि कोई शर्त पहले से नहीं दी गई है या शर्त करार के बाद में दी गई है या शर्त के मामले में निबंधन के मामले में कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है तब अधिनियम के ही प्रावधान लागू माने जाएंगे अर्थात इससे दो बात स्पष्ट हो गई कि सबसे पहले न्यायालय द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि क्या पक्षकारों का कोई आशय है या पक्षकारों ने कोई स्पष्ट आशय परिलक्षित किया है कि वह अमाल में की संपत्ति का स्वामित्व का अंतरण कब मानते हैं अर्थात जब तक पक्षकारों का आशय संविदा में स्पष्ट ना किया गया हो तब धारा अट्ठारह तथा धारा 20 से 24 तक के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं वह लागू होंगे इस प्रकार यदि हम इस पूरे ही धाराओं को विशेषकर धारा 18 तथा 20 से 24 तक की धाराओं को देखें तो हम इन्हें तीन श्रेणियों में बांटकर कर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं सबसे पहले ऐसे माल या ऐसे वस्तुओं का विक्रय जो विनिर्दिष्ट प्रकृति की हो जिसे हम कहते हैं विनिर्दिष्ट माल का विक्रय दूसरा ऐसा विक्रय जो अनुमोदन के आधार पर हो या अनुमोदित आधारित विक्रय और तीसरा ऐसे माल का विक्रय जो अभिनिश्चित माल की श्रेणी में आता है यानी अभिनिश्चित माल का विक्रय इस प्रकार यदि हम विनिर्दिष्ट माल के विक्रय अनुमोदन पर आधारित विक्रय और अभिनिश्चित माल पर विक्रय का अध्ययन करते हैं तो हमें धारा 18 के साथ साथ धारा 20 से 24 तक के प्रावधानों को एक साथ देखना होगा तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग विनिर्दिष्ट माल के विक्रय को समझने की कोशिश करते हैं विनिर्दिष्ट माल के विक्रय से संबंधित प्रावधान धारा 20, धारा 21 और धारा 22 में स्पष्ट रूप से दिए गए हैं विनिर्दिष्ट माल का हम लोग ने पहले भी एक बार अंतर करने की कोशिश की और हम लोग सामान्य रूप से समझते हैं कि विनिर्दिष्ट माल का तात्पर्य किसी ऐसे माल से है जिसका उल्लेख धारा दो की उपधारा चौदह में किया भी गया है जो संविदा के समय अस्तित्व में थी और जिसे पहचाना जा सकता है या पहचान कर ली गई है तो विनिर्दिष्ट माल के संदर्भ में एक मुख्य नियम यह है कि संविदा होते ही संपत्ति का संक्रमण भी तुरंत हो जाएगा यानी जैसे ही संविदा पूरी होगी माल में कि संपत्ति हस्तांतरित हो जाएगी और ऐसा विक्रय संबंधित शर्त धारा 20 में बताई गई है धाराएँ 21 तथा 22 उस समय लागू होंगी जब धारा 20 की शर्तें पूरी ना हो रही हों यानी विनिर्दिष्ट माल के संदर्भ में सबसे पहले धारा 19 की व्याख्या को देखना पड़ेगा और यदि किसी कारण से धारा 20 की शर्त में कोई कमी है तब धारा 21 और धारा बाईस के प्रावधान लागू होंगे तो धारा बीस में जो नियम बताए गए हैं उनको यदि हम देखें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब एक विनिर्दिष्ट माल जो परिदेय स्थिति में है विनिर्दिष्ट माल का परिदेय स्थिति हुए होने का क्या तात्पर्य है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं परिदेय स्थिति माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा दो की उपधारा तीन में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है और परिदेय स्थिति का तात्पर्य ऐसी स्थिति से होता है जहां क्रेता उस माल का परिदान लेने के लिए विधिता बाध्य हो यानी कि वस्तु या माल की अवस्था ऐसी है कि वह विनिर्दिष्ट माल की श्रेणी में है और वह परिदेय की स्थिति में भी है ऐसे में धारा बीस का प्रावधान का उल्लेख किया जाना चाहिए जहाँ की संविदा परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए है वहाँ उस माल में की संपत्ति क्रेता को उस समय संक्रांत होती है जबकि संविदा की जाती है और यह बात बिल्कुल महत्वहीन या तत्वहीन हो जाती है कि कीमत का संदाय कब होना है कीमत का संदाय माल के साथ ही होना है या माल के बाद होना है या दोनों ही मुतलवी कर दिए गए हैं इस प्रकार के सिद्धांत का यदि हम अनुप्रयोग देखें तो टार्लिन बनाम बैक्स्टर के बाद में एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है इस उदाहरण में हमें स्पष्ट होगा कि चार जनवरी को ए ने डी को कुछ सूखी घास बेचने की संविदा की भुगतान चार फरवरी को होना था अर्थात करार के एक महीने बाद और वह घास मई तक करीब मई महीने तक ए के स्थान पर ही पड़ी रही ए ने यह शर्त लगाई थी कि भुगतान जब तक नहीं किया जाएगा घास नहीं काटी जाएगी लेकिन न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि यह जो विक्रय था या स्पेसिफिक गुड या विनिर्दिष्ट श्रेणी के माल का था और माल में भविष्य को बे भविष्य में बेचने की कोई संविदा नहीं थी इसलिए संविदा तो उसी समय हो गई जब इस संविदा को पूरा किया गया अर्थात माल में की संपत्ति का हस्तांतरण उसी समय हुआ जैसे ही संविदा हो गई अर्थात भले ही अभी धन या भुगतान अभी नहीं हो पाया था लेकिन विक्रेता और क्रेता के बीच जैसे ही संविदा पूरी हुई और घास को काट कर भले ही एक के मैदान में रखा गया था लेकिन उसमें जो माल में की संपत्ति थी वह धारा 20 के अनुसार विनिर्दिष्ट माल के परिदाय की स्थिति में होने के कारण तुरंत हो गई थी और माल में की संपत्ति या स्वामित्व का अंतरण तुरंत होने के साथ साथ हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उसके साथ जो जोखिम था वह भी तुरंत अंतरित हो गया और जोखिम के अंतरण होने के कारण उसमें जो प्रावधान थे उसके हिसाब से जो भी नुकसानी थी जो भी नुकसान या जोखिम था उसका वहन इस क्रेता द्वारा करना था क्योंकि उस क्रेता को माल में की संपत्ति या स्वामित्व का अंतरण हो चुका था इसी प्रकार गंगानगर सुगर मिल्स लिमिटेड बनाम रामेश्वर दास ताराचंद के वाद को भी हमें देखना पड़ेगा यह निर्णय भी इसी सिद्धांत पर आधारित था कि चीनी की कुछ मात्रा जिसकी कुछ विनिर्दिष्ट संख्या थी और जो परिदेय स्थिति में भी थी उसे एक नीलामी में हथौड़ा द्वारा मेज को पीटकर जो सामान्य रूप से नीलामी करने की एक प्रक्रिया होती है हथौड़े को मेज पर थपथपाकर उस बोली को स्वीकार किया जाना और माल की स्थिति भी परिदे स्थिति में थी उसे बोलीकर्ता के पक्ष में बेच दिया गया इस मामले में भी यह निर्णय आया कि स्वामित्व का अंतरण उसी समय हो गया था जब वह नीलामी की बिक्री को स्वीकारा गया इसलिए बोली के बराबर की जो धनराशि थी वह क्रेता से वसूली जा सकती थी इस बात की जो सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न था कि जो माल जिस चीनी की बात की जा रही थी उस चीनी को नीलामी के द्वारा बेच तो दिया गया था यानी कि जो रकम स्वीकारी गई थी वह बोली की रकम नीलामी के द्वारा स्वीकारी गई थी लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है कि जो चीनी है वो जो कंट्रोल के आदेश हैं कंट्रोल के आदेश के कारण चीनी के दाम में कमी आ जाती है अब क्रेता चीनी के कम दाम की लालसा में अपना हक या उत्तरदायित्व तो देते हुए कहता है कि माल में एक संपत्ति का अंतरण अभी नहीं हुआ है संविदा अभी पूरी नहीं हुई है और मात्र बोली स्वीकार लेने से संविदा पूरी नहीं हुई और मैं उस वस्तु या माल का स्वामी कृता के रूप में अभी नहीं हुआ हूँ इसलिए संविदा को निराशित करना चाहिए लेकिन न्यायालय ने इस मामले में धारा 20 को उद्धृत करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि एक सामान्य क्रम में जब तक संविदा के पक्षकारों द्वारा कोई अलग से आशय परिलक्षित नहीं होता है तब तक यह माना जाएगा कि माल यदि विनिर्दिष्ट श्रेणी का है और माल परिदाय की स्थिति में है तब इन दो शर्तों के पूरा होने पर जैसे संविदा पूरी हुई माल में की संपत्ति का अंतरण क्रेता को चला जाएगा ऐसी परिकल्पना की जा सकती है यही विधि का नियम है अर्थात हम इस सिद्धांत को देखें तो इस सिद्धांत को लागू होने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें हैं सबसे पहले जो विक्रय हो वह स्पेसिफिक गुड्स का हुआ हो या विनिर्दिष्ट माल का हुआ हो दूसरा वह जो माल है संविदा के अंतर्गत परिदेय की स्थिति में होना चाहिए और तीसरी बात ऐसी संविदा शर्त रहित होनी चाहिए स्पेसिफिक गुड्स या विनिर्दिष्ट माल धारा 20 के लागू होने की पहली शर्त है वह निश्चित रूप से स्पेसिफाइड या विनिर्दिष्ट श्रेणी का हो ऐसे विनिर्दिष्ट माल या ऐसे माल जिसे संविदा के समय पक्षकारों ने पहले से तय कर लिया हो कि अमुक माल ही बेचा गया है जैसे कुर्सिल बनाम टिम्बर ऑपरेटर एंड कॉन्ट्रैक्टर लैडी के कंपनी के बाद में यह प्रमाणित हो गया क्योंकि इसमें एक लेटवियन जंगल उसमें विक्रय योग्य बहुत सारे पेड़ थे और उन्हें विक्रय की करने की संविदा थी और संविदा में ऐसे पेड़ थे जिन्हें विक्रय योग्य बताया गया अर्थात चूंकि जंगल है और जंगल की परिकल्पना हम किसी एक स्पेसिफिक या विशिष्ट पेड़ के रूप में नहीं कर सकते हैं वहाँ बहुत सारे और बहुत प्राकृतिक रूप से बहुत वैरायटी के पेड़ थे लेकिन जो संविदा हुई थी संविदा में स्पष्ट शर्त यह थी कि हम उन पेड़ों की बिक्री की बात करेंगे जो मोटाई में कम से कम छः इंच और ऊंचाई में कम से कम चार फुट हो या उससे ऊपर हो यानी संविदा के अंतर्गत सभी पेड़ विक्रय योग्य नहीं थे बल्कि सिर्फ वही पेड़ विक्रय योग्य थे जो कम से कम छह इंच की मोटाई और चार फुट की ऊंचाई के हो। अभी यह काम चल ही रहा था कटाई का काम पूरा हुआ भी नहीं था लेकिन सरकार ने बीच में ही उस जंगल का अर्जन कर लिया और सरकार द्वारा जब जंगल का अर्जन कर लिया गया तो सारी संविदाएं, जितने भी उसकी संबंधित संविदाएं थीं जितनी भी ठेकेदारी थी सभी खत्म हो गई और सभी को समाप्त कर दिया इस मामले में विक्रेता ने क्रेता से दाम का मांग की क्रेता ने कहा कि अभी माल का संदाय उसको नहीं हुआ है स्वामित्व का अंतरण उसको नहीं हुआ है इसलिए वह किसी भी प्रकार से क्रेता के रूप में विक्रेता को इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है जबकि विक्रेता का कहना था कि यह संविदा तभी पूरी हुई जब इस बात की पुष्टि हो गई कि यह माल या लकड़ी को काट करके देना है और इसके लिए कटाई शुरू हो गई न्यायालय ने इस मामले में धारा बीस को स्पष्ट करते हुए कहा कि धारा 20 के प्रावधान को लागू होने के लिए जो प्रथम शर्त है वह यह देखना है कि माल विशिष्ट या विनिर्दिष्ट श्रेणी का हो अर्थात माल की पहचान पक्षकारों ने पहले से तय कर रखी हो ऐसे में जंगल में जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं उन पेड़ों की कटाई के बाद ही यह तय हो पाता कि उसमें ऐसे कौन से पेड़ हैं जो ऊंचाई में कम से कम चार फुट और मोटाई में कम से कम छः इंच है अर्थात जब तक इस बात का विनिश्चय नहीं हो पाता है कि कौन से पेड़ उसमें से विक्रय योग्य हैं तब तक हम इन्हें विनिर्दिष्ट माल की श्रेणी में नहीं रखेंगे और चूंकि यह विनिर्दिष्ट माल की श्रेणी में नहीं है इसलिए धारा 20 के प्रति शर्त पूरी नहीं होगी इसलिए स्क्रूडन इस जस्टिस स्क्रूडन ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह तत्व तो, कि जो पेड़ बेचे गए थे उन्हें दूसरे से अलग नहीं किया गया था और जंगल के सभी पेड़ों को नहीं बेचा गया था केवल वही पेड़ बेचे गए थे जो दिए गए नाप या माप के अनुसार उसके अनुकूल थे और काटे बगैर वह उनकी नपाई या उनका विनिर्दिष्टीकरण किया भी नहीं जा सकता था इसलिए इस मामले में अभी निर्धारित हुआ कि अभी माल का विक्रय नहीं हुआ था और विक्रय के समय क्रेता माल का स्वामी नहीं हो पाया था इसलिए क्रेता किसी भी रूप में विक्रेता को इसके बदले भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा इसी प्रकार स्टेट टिम्बर कारपोरेशन के मामले को भी हमें देखना पड़ेगा जिसमें लकड़ी की आपूर्ति करने की एक संविदा की गई थी एक विशिष्ट क्रेता के पक्ष में इस समव्यवहार को मंजूरी भी दे दी गई लेकिन उस समय जब माल को अभिनिश्चित हो जाना चाहिए था उसका अभिनिश्चय नहीं हो पाया था और इस प्रकार वह जो माल था वह परिदेय की स्थिति में भी नहीं था जैसे जैसे माल का उपलब्धिकरण होता वैसे वैसे उसका परिधान सुनिश्चित किया जाना था इस प्रकार अभी निर्दिष्टिकरण होने के कारण ऐसा अभी निर्धारित किया गया कि विक्रेता उस दिन के बाजार के भाव की मांग कर सकता है जिस दिन परिदान हुआ दूसरी शर्त के रूप में हम देखें तो इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है वह यह कि माल का परिदेय की स्थिति में होना परिदे की स्थिति में होने का हम लोग ने अभी अर्थ देखा कि धारा दो की उपधारा तीन में परिदेह की स्थिति होने का तात्पर्य है कि वह ऐसी स्थिति में है कि जब क्रेता उसे स्वीकार करने के लिए बाध है यानी मान लीजिए विक्रेता को कार देना है किसी क्रेता को किसी करार के अंतर्गत लेकिन उस मोटर कार को विक्रेता द्वारा कार को आपूर्ति कराने के पहले उस पर कोई पेंटिंग करानी या किसी विशेष रंग से रंगवाना है तो तब तक वह ऐसा नहीं करता कर पेगा यानी जब तक वह इस शर्त को पूरा नहीं करेगा तब तक कार को परिदेय स्थिति में नहीं समझा जाता यानी जब बेची गई वस्तु हर तरीके से पूर्ण हो और उसमें कुछ भी ऐसा कार्य किया जाना बाकी ना हो जो परिदेय स्थिति में लाने के लिए आवश्यक है तभी हम कहेंगे वह परिदेय स्थिति में यानी परदेय स्थिति का तात्पर्य वस्तु ऐसी परिस्थिति में या ऐसी स्थिति में आ चुका है कि विक्रेता द्वारा अब उस पर कुछ भी कार्य किया जाना बाकी नहीं है और उसे क्रेता द्वारा माल को स्वीकार करना ही चाहिए या करने के लिए विधिता आबद्ध होगा यह इस धारा को लागू करने के लिए दूसरी शर्त है और इस धारा को लागू करने के लिए तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि ऐसी संविदा शर्त रहित संविदा होनी चाहिए शर्त रहित संविदा का अर्थ क्या है जब दोनों पक्षकार एक सामान्य आशय में हो कि संक्रमित जो वस्तु है या संपत्ति है जिसका संक्रमण होना है उस पर अभी कुछ शर्तों का तय होना बाकी है यानी यह या उन स्थितियों में से एक है जहाँ धारा 20 के नियम इसके आगे झुकते हैं यानी जब माल को कुछ अभिव्यक्त या विवच्छित शर्त पूरी करनी हो तब संविदा सशर्त मानी जाएगी यानी अभी कोई एक ऐसी शर्त है जिसके पूरे होने के बाद ही माल के स्वामित्व का अंतरण हो सकता है तो जब तक वह शर्त पूरी नहीं होगी उसे स्वामित्व का अंतरण नहीं हो सकता ऐसे में ऐसी संविदाओं को हम शर्त सहित संविदा कहते हैं लेकिन धारा 20 के लागू होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण Hej! कि संविदा शर्त सहित ना हो करके शर्त रहित रहे जैसे एक मामले में एक कार किस्तों पर बेची गई और संविदा में यह शर्त थी कि अंतिम किस्त के भुगतान पर ही क्रेता को संपत्ति मिलेगी ऐसा हो सकता था कि क्रेता को संपत्ति मिल चुकी हो यानी क्रेता का माल पर कब्जा मिल गया हो लेकिन माल पर कब्जा मिलने का तात्पर्य यह नहीं है कि स्वामित्व का अंतरण हो क्योंकि अभी शर्त के अधीन रहते हुए अंतिम किस्त का भुगतान नहीं हुआ था ऐसी स्थिति में उसका स्वामित्व अभी भी विक्रेता के पास है इस प्रकार इन तीनों शर्तों के पूर्ण होने पर ही धारा 20 की अंतर्गत माल में की संपत्ति का विक्रेता द्वारा क्रेता को होगा मालमे की संपत्ति के अंतरण में जब एक और परिस्थिति होती है कि माल पहले से परिदेय की स्थिति में ना हो यानी कि माल को अभी परिदान की स्थिति में लाया जाना हो ऐसे में माल को परिदय स्थिति में लाया जाना आवश्यक होता है और इसलिए धारा 21 के प्रावधान अस्तित्व में आते हैं धारा 21 का प्रावधान स्पष्ट करता है कि जहाँ की संविदा किसी विनिर्दिष्ट माल की संपत्ति के लिए है और विक्रेता माल को परिदाय की स्थिति में लाने के प्रयोजन के लिए आबद्ध होगा यानी संपत्ति तब तक संक्रांत या हस्तांतरित नहीं हो जाती जब तक कि उस माल को परिदेय की स्थिति में नहीं लाया जाता और इसकी सूचना नहीं दी जाती अर्थात यदि विक्रेता की तरफ से कुछ कार्य किया जाना बाकी है तो उस कार्य को किए बगैर संपत्ति का संक्रमण नहीं होगा जैसे मान लीजिए कि, कि किसी माल को पैकिंग करने के बाद विक्रेता द्वारा क्रेता को देना है तो जब तक उस माल को उस पैकिंग करने की शर्त के साथ पूरा नहीं किया जाता यानी जब तक कि वह माल पैक नहीं किया जाता है तब तक कि हम नहीं कह सकते कि वह माल परिदेय की स्थिति में है क्योंकि परिदेय की स्थिति के अनुसार विक्रेता द्वारा अब उस पर कुछ भी किया जाना बकाया नहीं होना चाहिए रग बना मिनट के बाद में एक टंकी में जो तारपीन का तेल भरा हुआ था और उस टंकी में भरे तारपीन के तेल को विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचना था और विक्रेता द्वारा क्रेता को जब तारपीन का तेल बेचना था उसके लिए कुछ छोटे-छोटे पीपे में उस तेल की भर को भराई करनी थी अर्थात उस बड़े टैंक से उन पीपों में तेल भरकर बेचने की असंविधा थी कुछ पीपे तो क्रेता की उपस्थिति में भर दिए गए लेकिन अभी कुछ ही पीपे भरे गए थे तब तक कि आग लग गई और तारपीन का सारा तेल जल गया अब क्रेता को प्रश्न था कि क्या पूरे तेल के लिए नुकसानी उठानी पड़ेगी इसमें यहाँ हमें देखना होगा कि क्या माल परिदेय की स्थिति में था माल करार के अंतर्गत संविदा के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को बेच तो दिया गया था लेकिन चूंकि उसको पीपों में भरना एक कार्य था जो अभी पूरी तरह नहीं पूर्ण हो पाया था इसलिए सिर्फ उन तेलों के लिए जिसे बड़ी टंकी से उठाकर पीपे में भर दिया गया था क्रेता मात्र उन तेलों के नुकसानी के लिए जिम्मेदार होगा बाकी के लिए विक्रेता के पास ही जोखिम रहेगा और क्रेता को माल में की संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा और बाकी के तारपीन के तेलों के लिए और जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता इस प्रकार माल परिदेय स्थिति में है तो संपत्ति का संक्रमण हो जाता है चाहे विक्रेता द्वारा कोई छोटा मोटा कार्य करना बाकी रह गया हो मतलब अगर कुछ ऐसे कार्य हैं जो तुक्ष प्रकृति के हैं या ऐसे कार्य हैं जो आशा से ही या आशय से ही प्रकट होते हैं कि अब कुछ कार्य करना बाकी नहीं है तब माल में कि संपत्ति का अंतरण मान लिया जाएगा मान लीजिए कोई एक लेखक है और उस लेखक ने अपने कॉपी राइट का या हस्तलिपि के अंतर्गत अधिकारों का विक्रेता द्वारा क्रेता को अगर ट्रांसफर कर दिया गया हो ट्रांसफर करने के बाद चूंकि उसमें सुधार की गुंजाइश है तो ऐसे में छापने का अधिकार प्रकाशक को देने के बाद भी पुनः उस वस्तु अर्थात उस हस्तलिप्त पर वह कब्जा पाता है और यह देखता है कि क्या इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है तो प्रकाशक के संपत्ति के संक्रमण होने में कोई बाधा नहीं समझी जानी चाहिए क्योंकि जैसे ही इस प्रकाशक को सारे अधिकार दिए गए उसमें स्वामित्व का अंतरण अधिकारों का अंतरण हो गया और मात्र इसलिए कि उसमें त्रुटि और कमी को देखने के लिए उसके पुस्तक या हस्तलिपि को दोबारा दिया गया था इससे यह नहीं समझा जाएगा कि अभी संक्रमण में या अधिकारों में कोई कमी है और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कीमत अभिनिश्चित करने के लिए कुछ किया जाना धारा बाईस का उल्लेख यहाँ महत्वपूर्ण होता है जहाँ परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल जबकि उसकी कीमत को निश्चित या निर्धारित करने के लिए कुछ किया जाना है ऐसी परिस्थिति में स्वामित्व का अंतरण कब होगा जहाँ की संविदा अगर परिदेय स्थिति में है और माल विनिर्दिष्ट श्रेणी का है तब विक्रेता कीमत को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन से यानी उसकी उस माल को उसकी नाप करने के लिए तोलने के लिए परखने के लिए या उसके बारे में कोई अन्य कार्य करने के लिए आबद्ध है तो वह माल तब तक संक्रांत नहीं हो जाता जब तक कि वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाता या यह इस बात की सूचना नहीं हो जाती कि उससे संबंधित सभी कार्य अर्थात उस माल के अभिनिश्चयीकरण के लिए उसके कीमत के अभिनिश्चयीकरण करने के लिए उसकी माप, जोक नापना तोलना जैसे सभी कार्य पूरे हो गए हैं अर्थात जब तक यह कार्य पूरा नहीं होता माल को परिदेय की स्थिति में नहीं समझा जाएगा इस प्रकार जब विक्रय किया हुआ बेनिर्दिष्ट माल परिदेय स्थिति में है परंतु विक्रेता को मूल्य को परखने के लिए या मूल्य जानने के लिए उस माप का उस तौल का या कोई और परीक्षण द्वारा उसे यह जानना है या कोई अन्य कार्य करना है तो संपत्ति तब तक संक्रमित नहीं होगी जब तक कि ऐसा कार्य करके क्रेता को उसकी सूचना ना दीजिए गई एक विक्रेता जिसमें कुछ इसने बकरों की खालों को बेचने की संविदा की थी लेकिन अभी जो बकरे के खाल थे उनमें लगी गाठों को गिनना था और उस गिनती के हिसाब से उसमें अभिनिश्चय करना था उसकी मूल्य को ले लेकर और एक दर्जन के हिसाब से एक हिसाब लगाना था इसलिए जब तक विक्रेता ने उसे गिन नहीं लिया तब तक कि यह नहीं कहा जा सकता कि संपत्ति का अंतरण हुआ और यदि इसमें कुछ भी क्षति हुई है तो वह विक्रेता को ही वहन करनी पड़ेगी एक परिस्थिति ऐसी भी होती है जब माल का कुछ भाग बेचा गया हो और बेचे हुए कुछ भाग को दूसरे से अलग करना बाकी हो जब मान लीजिए कि सारा का सारा माल बेच दिया गया लेकिन यदि उसका मूल्य जानने के लिए जिस वस्तु को बेचा गया उसके भाग को सभी से अलग करना होगा तो संपत्ति का अंतर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि बेचे गए भाग को बाकी के भागों से अलग नहीं किया जा सकता और तीसरी श्रेणी में जिसमें हम लोगों ने अनुमोदार्थ या विक्रय या वापसी के लिए भेजे गए माल के बारे में अध्ययन किया धारा 24 अनुमोदनार्थ अर्थात विक्रय अथवा वापसी के लिए भेजे गए माल के संबंध में संपत्ति का संक्रमण कब होता है या कब किया जा सकेगा जब विक्रय माल या वापसी के लिए अन्य निबंधनों के अंतर्गत परिदत्त कर दिया जाता है तो संपत्ति का संक्रमण तब होता है जब अनुमोदन या प्रतिग्रहण विक्रेता द्वारा संज्ञापित कर दिया जाता है या उस संव्यवहार को अंगीकृत करने के लिए कुछ और कार्य किया जाता है उदाहरण के लिए किरखम बनाम एटन बरो के बाद में क्रेता ने कुछ हीरे विक्रय या वापसी की शर्त पर दिया और उसे प्रतिवादी के पास गिरवी रख दिया विक्रेता ने प्रतिवादी के विरुद्ध माल वापस पाने के लिए एक संस्थित किया क्रेता द्वारा प्रतिवादी के यहाँ गिरवी रखने का अभिप्राय क्रेता ने आचरण के द्वारा संव्यवहार को प्रतिगृहित कर लिया और उस वस्तु का स्वामी हो गया परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के प्रति उसके द्वारा की गई जो गिरवी थी वह विधिमान्य मानी गई और विक्रेता क्रेता से कीमत का भुगतान पाने के लिए अधिकृत हो गया इस प्रकार कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा संव्यवहार स्वीकार कर लिया जाए जब माल का परिदान क्रेता को अनुमोदन या विक्रय या वापसी पर किया जाता है जैसे ही क्रेता ऐसा कार्य करता है या ऐसा कोई संव्यवहार करता है तो मान लिया जाएगा कि संपत्ति क्रेता को संक्रांत हो गई उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर ए ने कुछ जेवरात खा को अनुमोदार्थ दिए और भेजने के बाद उसकी अनुमति संज्ञापित होना चाहता है लेकिन अनुमति संज्ञापित करने के पहले ही खाने उन जेवरात को किसी तीसरे व्यक्ति के पास गिरवी रख दी तो का द्वारा गा को जेवरात गिरवी रख देने पर या जो दूसरे व्यक्ति द्वारा गिरवी रख देने पर का जिसने ऐसे जेवरात को अनुमोदनार्थ भेजा था या वापसी के अनुमोदन के लिए भेजा था अब वह सी या गा से वापसी नहीं ले सकता क्योंकि धारा 24 का के अनुसार जैसे ही क्रेता द्वारा ऐसा कोई संव्यवहार किया जाता है या ऐसे संव्यवहार को अंगीकृत करता है या मान लिया जाएगा कि संक्रमित हो गया उसमें जो भी स्वामित्व का अधिकार था वह अनुमोदन करने के बाद यानी अब जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वो है अनिश्चित माल का विक्रय यानी यदि कोई माल अनिश्चित माल का विक्रय है तब उसका कैसे हम देखेंगे कि उसमें माल में की संपत्ति का अंतरण हुआ धारा 18 और धारा 23 इस संबंध में एक प्रमुख प्रावधान है धारा 18 माल को अभिनिश्चित करने के लिए कहती है कि जहाँ की संविदा अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए है जब तक कि माल का अभिनिश्चय नहीं होता माल में की कोई संपत्ति अंतरित नहीं होगी और माल में अभिनिश्चयकरण होगा कैसे इसके प्रावधान धारा तेईस में दिए गए हैं धारा तेईस स्पष्ट करता है कि अभिनिश्चित माल का विक्रय और विनियोग किया जाना चाहिए यानी जहां अभिनिश्चित माल जो कि परिदेय स्थिति में है या क्रेता की अनुमति से विक्रेता द्वारा विक्रेता की अनुमति से क्रेता द्वारा अभी विनियोजित किया जाता है वहां माल में की संपत्ति तुरंत अंतरित हो जाती है माल को अभिनिश्चित करने का तात्पर्य है कि जब संविदा के पालन है तो विनियोग और दूसरा संपत्ति का संक्रमण का हो जाना अब हमें देखने में दो शब्द हमें यहाँ देखने को मिलते हैं एक माल का अभिनिश्चयन और दूसरा विनियोजन और दोनों के बीच में हमें अंतर देखना पड़ेगा कि अभिनिश्चय विक्रेता स्वयं करता है लेकिन विनियोजन के लिए दोनों पक्षकार के आशय की आवश्यकता होती है संविदा में विनियोजन के लिए आवश्यक है कि जो माल अभिनिश्चित किया जाए उसी के प्रति पक्षकारों का आशय हो कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य माल नहीं दिया जाएगा और विक्रय की जो विषय वस्तु है उस पर स्वामित्व तो क्रेता को ही मिलना है और विनियोजन के बिना संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता मान लीजिए कि संपत्ति को पहचान ली गई है वह परिदेय भी स्थिति में है और उसका विक्रय भी किया जाता है लेकिन माल में कि संपत्ति तब तक संक्रमित नहीं होगी जब तक कि उसका विनियोजन ना कर लिया जाए जैसे हीली बनाम हॉलर एंड सन्स के बाद में जो मछली के निर्यात करता थे ब्राइट मैक्रल नामक मछली के बीस बक्से मांगे गए वादी ने एक बक्से रेलवे को रखवा दिए और आदेशानुसार उसको अलग अलग निर्देश में देने थे बाद में जब विलम्ब होने लगा तो प्रतिवादी के बक्सों पर चिन्ह लगा करके प्रतिवादी को दिया गया और जब प्रतिवादी को मछली के बक्से मिले तो खरीदने से या लेने से इंकार कर दिया और यहां इस बात का निर्धारण हुआ कि माल के नष्ट होते समय संपत्ति क्रेता को ना जाकर के अभी विक्रेता के पास ही थी क्योंकि एक बक्सों में बीस बक्से कौन से बीस बक्से हैं जो इस प्रतिवादी को मिलना था अर्थात अभी माल का अभी जो विनियोजन था नहीं हो पाया था इसलिए विनियोजन ना होने की स्थिति में जब तक विनियोजन नहीं होगा माल में की अंतरण नहीं हो सकता इसी प्रकार विनियोजन का प्रभाव ही है जो दोनों पक्षकारों की सहमति के अनुसार विनियोजित होने पर माल क्रेता को जाता है अब क्रेता की अनुमति के बिना क्या माल का विनियोजन हो सकता है क्रेता की सहमति के बगैर किया गया विनियोजन प्रयोजनहीन होता है और इसके लिए जो क्रेता की अनुमति है वह विवच्छित भी हो सकती है और एक्सप्रेस भी हो सकती है और इस प्रकार धारा 19 से धारा 23 तक के प्रावधानों को देखने में हमें जो माल के संपत्ति के अंतर के प्रावधान है उसमें डिलीवरी टू कैरियर या वाहक को माल देने के जो संबंधित प्रावधान है वह धारा 23 की धारा दो में देखने को मिलेगा और इन सभी का उद्देश्य हमें अंतिम में धारा 26 में देखने को मिलता है जिसमें यह एक सामान्य नियम है कि जिस पक्षकार का स्वामित्व होता है उसी का जोखिम भी करना होता है इस प्रकार माल विक्रय की संविधा का उद्देश्य क्रेता में माल की संपत्ति का अंतरण कर देना है और अंतरण कर देते ही जोखिम का अंतरण हो जाता है यानी सामान्य नियम में हम अंततः दो बातों को यहाँ समझेंगे पहला कि माल तब तक विक्रेता के जोखिम पर रहता है जब तक कि उसमें संपत्ति क्रेता को अंतरित ना हो जाए और दूसरा जब माल में की संपत्ति क्रेता को अंतरित हो जाती है तो चाहे माल का परिदान उसे किया गया हो या ना किया गया हो वह क्रेता की जोखिम में रहता है इस प्रकार सारांश रूप में इस पूरे व्याख्यान को हम अगर देखें तो माल की बिक्री से संबंधित अनुबंध के दौरान संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में हमें सारे विचार अधिनियम की धारा 18 से 25 तक देखने को मिलते हैं और उससे होने वाले प्रभावों में जोखिम का वहन किसको करना होता है यह धारा 26 में हमें देखने को मिलता है और माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत क्रेता को संपत्ति का अंतरण कब हुआ इसके सभी प्रावधान इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने 1926 के अंतर्गत देखे इस व्याख्यान के बाद स्पष्ट रूप से क्रेता को होने वाले माल के संपत्ति के संदर्भ में सारे प्रावधान इस व्याख्यान में सीमित किए गए हैं धन्यवाद